लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय को कोविड अस्पताल बना दिया गया है, लेकिन इस अस्पताल में व्याप्त दुर्व्यवस्थाएं और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आए दिन मरीजों की मौत पर हंगामा हो रहा है। तस्वीरें चकिया के संयुक्त चिकित्सालय की, जहां मरीज के परिजनों ने आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया कि इस अस्पताल में डॉक्टर नहीं आते और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी मनमानी करते हैं। मरीजों को दवा इंजेक्शन कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। यहां मरीजों को भर्ती कर महज कागजी खानापूर्ति की जा रही है। आए दिन हंगामे के बाद भी जिला प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण स्थिति बस से बदतर होती जा रही है। मरीजों के हंगामे को देखकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। जब अस्पताल में डॉक्टर नदारद हों तो इलाज कौन करे, ये बड़ा सवाल है। और डॉक्टर को वापस अस्पताल बुला लेना पुलिस के बस में नहीं है। देखा जाए तो जिला प्रशासन केवल चुनाव उच्चाधिकारियों के आवभगत व चुनाव को लेकर बैठकों में व्यस्त है और लोक स्वास्थ्य महकमे की इस लापरवाही के कारण ही दम तोड़ रहे हैं। चंदौली से संवाददाता अमन अहमद की रिपोर्ट। संसार में वेदी खाली नहीं है। अच्छा, और मार्केट में लकड़ी नहीं है जी। क्या स्थिति, मतलब आप लकड़ी नहीं मिलेगी तो कैसे व्यवस्था करेंगे आप? अब लकड़ी नहीं मिलेंगे तो कहीं जाए लकड़ी का इंतजाम करेंगे। मौतों का क्या अंतिम, मतलब कितनी मौतें हो रही है दिन में? पाँच छह मौतें हो रही है रोजाना। अब क्या चाहते, मतलब कोई प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ कोई व्यवस्था कराए और लकड़ी वगैरह की इंतजाम। लकड़ी का इंतजाम कराए, अगर लकड़ी है प्रशासन के पास तो। कुछ कोरोना से भी यहाँ मौतें हुई है इसमें? हाँ, तीन चार मौतें हुई है।